इसमें हम बोर हो जाए। पर क्या आपको पता है लेवीय व्यवस्था वो एक ही किताब है पूरे बाइबल में जो 90% परमेश्वर का वाणी है, 90% परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के शब्द है। और यदि आप लेवीय व्यवस्था से बोर हो जाते हो तो जब परमेश्वर सच में बात करेंगे तो आप जो भी है, क्योंकि आजकल अनुग्रह में बात करते हैं तो मेरे मुझे जैसा लगता है अच्छा ना, वैसे परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं ना, है ना। ऐसे बोरिंग बातें परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर बोर नहीं करता। तो लेवीय व्यवस्था क्यों बोरिंग है? 90% लेवीय व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा। और आपको पता है लेवीय व्यवस्था का दूसरा बुक, जैसे कि दानियल जो पुराने नियम में है, नए नियम में क्या है? दानियल के जैसा किताब जो नए नियम में है, प्रकाशित वाक्य। जैसे दानियल अंत के दिनों के समय के बारे में बताता है, वैसे प्रकाशित वाक्य नए नियम में अंत के दिनों के समय के बारे में बताता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। पर पुराने नियम में लेवीय व्यवस्था जो है उसके जैसा ही एक किताब नए नियम में है, आपको पता है। पर वो बुक आपको बोरिंग नहीं लगेगा, वो किताब आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो पुराने नियम के लेवीय व्यवस्था, नए नियम में कौन सा किताब है? इब्रानी। और सबको इब्रानी अच्छा लगता है, पर इब्रानी जो है वो लेवीय व्यवस्था के आधार पर ही लिखा गया है। समझ में आ रहा है? बाइबल को समझो, बाइबल में कोई भी चीज बोरिंग नहीं है। Amen. Amen. तो सबसे पहले हमने देखा जेनेसिस, उत्पत्ति। उत्पत्ति कितने भाग में डिवाइडेड है? कितने भाग है? दो। पहला वाला भाग कौन सा है, जल्दी बोलो। एक से ग्यारह। दूसरा भाग कौन सा है? बारह से चालीस। बारह से पचास, सॉरी पचास से ठीक है। ये दो भाग है जेनेसिस का, उत्पत्ति का। पहले भाग में राष्ट्रों का, राष्ट्रों नो, जस्ट वन राष्ट्र नो, राष्ट्रों का इतिहास, राष्ट्रों का इतिहास। और दूसरे भाग में सिर्फ एक राष्ट्र का इतिहास। समझ में? इसमें पूरे दुनिया का इतिहास लिखा है कि पूरे दुनिया का निर्माण कैसा हुआ, पाप कैसे आया पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के बारे में लिखा है। जैसे हम 12 अध्याय में आते तो मूसा अब्राहम के बारे में लिखा है, कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, बोला कि तुमसे मैं एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। समझ में? तो 12 से 50 तो जेनेसिस पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया? निर्गमन। निर्गमन, एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस को कितने भाग में डिवाइड किया गया? दो। दो कितने भाग में? दो। दो। पहला वाला भाग कौन सा है, कौन से चैप्टर है? एक से अठारह। एक से अठारह, ये याद करना पड़ेगा आपको। प्लीज, हाँ हाँ, ये याद करना पड़ेगा। एक से अठारह पिछले बार भी कहा मैंने, लिखा है ना, फिर पिछले बार भी ऐसे से शुरू किया मैंने। और दूसरा भाग क्या है? 19 से 40। पहले भाग में क्या लिखा है? इजिप्ट टू माउंट सिनाई। ठीक है, और दूसरे भाग में क्या लिखा है? माउंट सिनाई पे वो लोग रुक गए। आया ना? आया ना? Yes. तो सारे नियम दिए गए बातें, और क्या हुआ? वो बलि, वो सब हुआ, क्या बछड़ा, बछड़ा, सोने का बछड़ा। ठीक है, मिल गया ये सब। Yes. ये कहाँ तक है? एक्सोडस 19 40 से लेके कौन से अध्याय तक, कौन से अध्याय तक बोलो? माउंट सिनाई, गिनती 10 10। तो गिनती 10 10 तक
वो लोग माउंट सिनाई के पर्वत के उधर ही रहे, गिनती 10-11 में वो निकल पड़े। सिंपल, यहाँ तक सबके दिमाग में बैठ गया? यस। तो इसी दरमियान लेवीय व्यवस्था भी आ जाता है बीच में, इसी दरमियान लेवीय व्यवस्था भी आता है। अभी लेवीय व्यवस्था क्या है? ठीक है, लेवीय व्यवस्था क्या है, कितने भाग है? सात। क्या बात है, कितने? सात। 1 to 7, 8 to 10, 8 to 10, 11 to 15, 16, 17, 16 and 17, correct. 18 to 20, 18 to 20, 21 to 22, 21 to 22, 23 to 27, 23 to 27, ठीक है। ये सबको मिल गया पिछले बार, सबको मिल गया ना, कितने बाद में? सात। पहला वाला और आखिरी वाला ये जो है बाहर के कोने में जो है वो किसके बारे में बताता है? रीतियों के बारे में, रिचुअल्स, ठीक है, रीतियों के बारे में बताता है। कौन सा वाला? 1 से 7 अध्याय और अध्याय 23 से लेके 27, ठीक है। ये अंदर वाले जो भाग है, ये और ये वाला भाग जो है, ये याजकों के बारे में बताता है, प्रीस्ट याजकों के बारे में बताता है, ठीक है। और ये अंदर और ये अंदर वाला भाग जो है पवित्रता या प्यूरिटी, शुद्धता, शुद्धता ना, प्यूरिटी। तो तीन चीजों की जरूरत थी जिसकी वजह से हम परमेश्वर के पास आ सकते थे। एक तो रिचुअल्स, मतलब सारा अर्पण वेदी पे ये वो चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, वो जरूरी था। उसके बाद याजक जो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़े हो, ऐसा बंदे का जरूरत था, इसलिए याजकों को नियुक्त किया। और उसके बाद पवित्रता, कि अभी तुम्हारा रिश्ता अगर ठीक होना है परमेश्वर के साथ, तुमको पवित्र जीवन जीना ही होगा। पर ये सब हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो अर्पण बने, वो हमारे महायाजक बने और उन्होंने हमें पवित्र कर दिया अपने ये बीच वाले जो है अटोनमेंट 16 से 17, जहां पर लिखा है अटोनमेंट। अटोनमेंट क्या है हिंदी में? प्रायश्चित, ठीक है। तो लेवीय व्यवस्था भी बैठ गया सबके जहन में? यस। भूलोगे नहीं ना? नहीं नहीं। देखो लेवीय व्यवस्था भी याद है तो सब लोग चौंक जाएंगे, कुछ कुछ पास्टर लोगों को भी नहीं पता रहेगा लेवीय व्यवस्था क्या है। है ऐसा बुक है किताब, ठीक है। ठीक है, तो किसी को जवाब मिला वो? हाँ बोलो, मैंने सुना कि आपको मिला है जवाब। पिछले बार क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, जब परमेश्वर ने ऊपर कहा कि हत्या करना, नियम दिया कि हत्या करना गुनाह है, नियमों का उल्लंघन है, तो जब मूसा नीचे आया तो मूसा ने 3,000 लोगों को मार दिया लेवियों के द्वारा, मरवा डाला। तो ऐसा क्यों किया? क्या मूसा और लेवियों ने नियम तोड़ा? परमेश्वर खुश हो गए इनफैक्ट लेवियों से कि उन्होंने मार डाला, पर ऊपर तो कहा कि अगर कोई मारेगा तो क्या? हाँ, तो बोलो, बोलो। आपको कुछ मिला था ना, आप बहुत सोच रहे थे उसके बारे में, कुछ मिला आपको कि ऊपर अगर परमेश्वर ने कहा कि मृत्यु, किसी को मारना गुनाह है, तो नीचे आकर परमेश्वर ने क्यों अलग किया और खुश क्यों? क्योंकि मूसा ने पढ़ा नहीं, क्योंकि मूसा ने पढ़ा नहीं था कि परमेश्वर ने लिखा है ऐसा। पर मूसा ने लिखा था, मूसा ने नहीं लिखा। अच्छा, पर परमेश्वर खुश हो गए नीचे, परमेश्वर ने तो पढ़ा था, परमेश्वर को पता था। तो एक्सोडस चैप्टर 20 तो निर्गमन चैप्टर 20 में परमेश्वर ने सारे 10 अध्याय उनको वर्बली बोला है कि घात मत करना, हत्या मत करना, जो भी वर्बली बोला है, पढ़ा नहीं, ठीक है, पर पहले बोल दिया है। क्यों 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 सोचो, ये आपका परमेश्वर है। एक बात बताओ आपको, यदि आप परमेश्वर जो पुराने नियम का परमेश्वर को नहीं जानते हो, तो नए नियम का जो परमेश्वर है आप उसका वैल्यू या उसका कीमत नहीं जानोगे। पुराने नियम वाला परमेश्वर जानना आपको जरूरी है, फिर आपको पता चलेगा यीशु असल में क्या है और क्या किया उन्होंने।
है ना। पर हम लोग बैठ गए बस लोगों को नए नियम देने में, नए नियम पढ़ो, पुराने नियम, अरे नए नियम में वो जो पहला चैप्टर है ना वो मत पढ़ो, बहुत बोरिंग है, इसका बेटा ये उसका बेटा, पहला नियम खुलते ही वो वाला आ जाता है। नहीं 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 नहीं, अगर देखो सैकड़ों साल से और अनादिकाल से यीशु मसीह रुके थे आगमन का कि मैं धरती पर कदम कब रखूं। 400 साल मलाकी और मैथ्यू के बीच में गुजरा, फिर बाद में मैथ्यू खोल लेता है नए करार को और अपना हीरो जो है पहले चैप्टर में आने वाला है उसका आगमन के बारे में कहा जाता है। तो मत्तै ने ये पूरा जीनियोलॉजी या वंशज क्यों लिखा, मतलब वो सबसे अहम मुद्दा था पुराने को नए से जोड़ने का। समझ में आया, क्योंकि जब तक उसके वंशज का हमें पता नहीं था तो ये बंदा जो आ रहा है उसका कीमत नहीं रहता था और सारे वादे जो है परमेश्वर का वो खाली का खाली रह जाता था। मत्तै ने बहुत खूबसूरत रीति से वो वंशज लिखा हुआ। अगर आप कभी उसके बारे में सीखेंगे, कभी हम सीखेंगे उसके बारे में, आप चौंक जाओगे और फिर से कभी आप बोलोगे ना लोगों को, बोलोगे पहला वो पहला चैप्टर पढ़ो, उसमें सब कुछ है, उसमें सारा खजाना है, क्योंकि यीशु के आगमन के पहले आते ही पहले वो चैप्टर आ गया। तो मतलब कुछ तो बहुत खास है जो परमेश्वर ने देखा उसमें। आमीन। समझ में आ रहा है, तो कुछ भी बेमतलब का नहीं है वचन में। अगर आप 12 या 15 साल बेमतलब का आप विज्ञान या ज्ञान पा सकते हो स्कूल में जाकर, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है जिंदगी में, तो ये जो आपके जीवन के बारे में है बाइबल, आपको लगता है ये बेमतलब का है, वो ठीक है ले ले, ये नहीं लेते, चलो ये बोरिंग है वो बोरिंग, कैसे 15 साल आपने वहां पर गवाया बेमतलब के एजुकेशन लेते हुए, विज्ञान लेते हुए या ज्ञान, हाँ स्कूल में बैठ के, हाँ, और आपको लगता है कि ये वंशज ऐसी बोरिंग टर्न करो, ये वंशज ऐसी चीज बोरिंग टर्न करो, नहीं, मतलब आप आपके परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए जो अहम है वही मेरे परमेश्वर ने लिखा। अगर परमेश्वर ने लिखा मतलब परमेश्वर चाहते थे कि मैं वो पढ़ूं। आया ना, आया ना, जैसा वाले अभी तक I don't care if it's written in Greek. अगर मुझे पढ़ने नहीं होता या पढ़ने भी नहीं आएगा, पर मुझे मालूम है कि मेरा कर्ता दर्ता, मेरा सृजनहार, उसने एक ही किताब दिया, बाकी सारे किताबों को जला दूं, बस ये किताब लेकर बैठ गूं जिंदगी भर। स्मिथ विगल्सवर्थ वैसे ही करता था। स्मिथ विगल्सवर्थ जिसने 14 लोगों को मुर्दों से जिलाया, वो क्या करता था, उसके पास से वे बाइबल रहता था और ऑयल का बॉक्स, ऑयल का डब्बा क्या बोलते उसको, तेल का, अनॉइंटिंग के लिए 14 लोगों को उसने जिंदा किया, और उसको पढ़ने भी नहीं आता था ठीक से बाइबल, फिर भी एक ही छोटा बाइबल लेकर घूमता था और वो बस, और बोले कि मुझे किताबों की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मेरे लिए पवित्र आत्मा काफी है। और उसका यही एक मंत्र था, विश्वास करो, ओनली विश्वास करो, बस सब मुमकिन। पर आपको किताबों की जरूरत है, आपको इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत क्या? अगर मैं, मुझे पता चला कि मेरे परमेश्वर एक ही किताब दिया, वो किताब लेकर मैं बैठूं, बाकी सब। और बेस्ट पार्ट यही है कि ये एक ऐसा ही किताब है पूरे दुनिया में, जो जब भी आप पढ़ते हो लिखने वाला जो है आपके साथ रहता है। आया ना, तो वो समझा सकता है कि क्या लिखा है उन्होंने। आया ना, दूसरा किताब अगर पढ़ोगे तो लिखने वाला अमेरिका में बैठा है, उससे मेल मिलाप कैसे हो सकता है, बस पढ़ लिया बस छोड़ दिया, क्योंकि उससे हमारा वार्तालाप या मेल मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो अमेरिका में बैठा, उसने लिख दिया और हमने खरीद लिया किताब। पर ये ऐसा ही किताब है जो पूरे दुनिया में जब भी आप खोलते हो उसका लेखक जो है आपके साथ होता है। आमीन। तो लेवीय व्यवस्था और गिनती इतनी खूबसूरत किताबें हैं, इतने खूबसूरत किताबें हैं। मैं कह रहा हूं जैसे हम ये स्टडीज में आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो किताब आपको लगा इतना बोरिंग है ना, आप में उनको खजाना दिखेगा। और ऐसे खजाना दिखेगा मतलब श्रेष्ठ गीत भी आपको प्यारा लगेगा। समझ आ रहा है? तो उस दिन के लिए रुक जाओ, जब श्रेष्ठ गीत करेंगे ना
चौंक जाओगे कि उसमें असल में है क्या। ठीक है, अच्छा पता है ना, अभी मैं ना किताब से भी पता है ना, वो भी बदल करेगा गिनती। गिनती क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुरुआत होता है गिनती के साथ और अंत भी होता है गिनती के साथ, इसलिए उसको गिनती कहा जाता है। इसमें से दो तिहाई, करेक्ट, दो तिहाई जो कुछ लिखा है गिनती में वो होना ही नहीं चाहिए था। कितना? दो तिहाई। दो तिहाई का मतलब पता है आपको कितना होता है? ये किताब जो है लिखने, कभी भी इज़राइल के किताबों में लिखे नहीं जाना चाहिए था। ये किताब कितने साल का है, मतलब ये किताब में आप कितने साल को पाते हो, देखते हो? 40। 40 साल बेमतलब बकवास के लिए उन्होंने गवा दिए। 40 साल अपनी जिंदगी के, कितने? 40 साल। खतरनाक बात यह है इसमें कि जो कुछ ये लिखा हुआ है ये परमेश्वर के योजना में नहीं था। देखेंगे परमेश्वर के योजना में गिनती वाला किताब था ही नहीं, पर बाइबल इतना ऑनेस्ट, व्हाट यू से ऑनेस्ट, ईमानदार किताब है कि वो गलतियों को नहीं छुपाता है। आपको गलतियां नहीं मिलेंगे प्रॉफिट मोहम्मद का कुरान में, नहीं मिलेगा, ढूंढ ढूंढ के भी पाओ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रॉफिट्स का गलतियां नहीं दिखाई देगा। क्यों? वो अपने बारे में गलत चीजें नहीं लिखेंगे कोई ऑथर या कोई चीज, वो गलत को ऐसे छुपा देंगे और बड़ा करके वो बोलेंगे कि पर असल में ये हुआ। परमेश्वर का किताब इसलिए इतना ईमानदार है, इसलिए इतना पवित्र है, क्योंकि बड़े से बड़े लोगों का भी गलतियां परमेश्वर ने वहां पर लिखा, चाहे वो नूआ हो, नोआ, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो डेविड हो, या चाहे वो मूसा, सबके गलतियां परमेश्वर ने ये दिखाने के लिए कि मेरे अनुग्रह के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप अपने खुद ही से जीवन नहीं जी सकते। ये जो पूरे लोग 40 साल में मर गए रेगिस्तान में, क्यों मरे पता है आपको? क्योंकि उनको लगा कि वो अपने खुद ही से जीवन जी सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। आपको लग रहा है आपको कितने साल वेस्ट करना है, कितने साल बर्बाद करना है? आपके खुद के कोशिशों से आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हो ना, कितना साल और बर्बाद करना चाहते हो? कितना साल? एक भी दिन नहीं। आज कुछ ऐसे सीखने वाले जिससे हमारे सारे साल जो हमने बर्बाद किया ना, हमने बर्बाद किए। किसने बर्बाद किया? माँ बाप ने? नहीं। किसने बर्बाद किए? मेरे परिस्थितियों ने? नहीं। किसने बर्बाद किए? हमने नहीं। हम में कौन है? मैंने। किसने बर्बाद किया? मेरे जीवन किसने बर्बाद किया पिछले सारे? किसके हाथ में था? मेरे। थैंक यू। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये लिख के रखना। सबसे पहला स्थान वो लोग कहां पे थे? मिस्र, इजिप्ट। लिखो, अगर लिखना है तो लिखो। ये एक्सोडस 1 से 11, कहां पर थे वो लोग? मिस्र। फिर यहां पर वो लोग ट्रैवलिंग शुरू किए उन्होंने, और मिस्र देश से वो लोग साइनिया पहुंचे। ये साइनिया, ये कहां पर है? एक्सोडस 12 से 18। लिखा 12 से 18। फिर वो लोग साइनिया पे रुक गए। ये कहां पर है? एक्सोडस 19 से लेके नंबर्स 10 भूल गए? याद है। ठीक है, फिर वो लोग साइनिया से निकले
साइनाय और गए कहां पर? कादेश, कादेश, कादेश। ये कहां पर है? नंबर्स मैं नीचे लिख रहा हूं, 10 11 से लेकर 12 16 दिखाई दे रहा है ना, 10 11 से लेकर 12 16 दिखाई दे रहा है? हां हां यार, हां फिर बोलो, कादेश में रुक गए फिर से सबका बड़ा करने के लिए। हां आप सच में देखो परमेश्वर ने उनको कैसा संभाला ना, हम जानते हैं फिर परमेश्वर हमको कैसे संभाले। 1 से लेके 20 21 ठीक है, समझ में आया तक? यस। कादेश से फिर बोलो, कादेश से वो लोग कहां गए? मोआब। हिंदी में क्या कहते हैं? मोआबिया, मोआबिया ना। नंबर्स 20 22 लिखो ये तो 21 35 इसके अंदर 21 35 समझ में आया? 20 22 to 21 35 और फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो लोग कहां पहुंचे? मोआब, मतलब यर्दन किनारे के इस पार। तो वो नंबर्स 22:1 से लेके ड्यूटरोनॉमी 34 तक है, 34:12 समझ में आया ये पूरा? यहां पर रुके थे, यहां से यहां चल दिए, यहां पर रुके थे, यहां से यहां चल दिए, यहां पर फिर से रुक गए, यहां से यहां चल दिए, फाइनली यहां पर आकर फिर से रुक गए। दिख रहा है आपको पैटर्न? यस। मिस्र देश से सिनाय, सिनाय से कादेश, कादेश से मोआब। कितने साल लगना चाहिए इसके लिए? कितने साल मिस्र देश से मोआब जाने के लिए कितने साल लगना चाहिए आपको पता है? 11 दिन। मोआब के इस बाजू में पहुंचने के लिए, कादेश तक पहुंचने के लिए आपको 11 दिन लगते हैं। कितने कितने? 11 दिन। इनको कितने लगे? 40 साल। आपका जो छुटकारा या आपका जो वादा है जो परमेश्वर ने आपसे किया 11 दिन का है, आपको 40 साल क्यों लग रहा है? आपको 40 साल किस वजह से लग रहा है बोलो? कुछ उत्तर? दक्षिण पूर्व पश्चिम है कुछ उत्तर किसी के पास? नहीं नहीं, परमेश्वर ने वादा किया वो एक दिन ना एक दिन करेगा। मैं रुका हूं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर वापस हमारे लिए रुके है, क्या है? कितने साल और लगाओगे? परमेश्वर ने वादा किया पूरा करेगा वो, पूरा निभाएगा वो। अरे निभा लिया उसने, किया वादा पूरा। आप करो ना अभी, उठो, आज देखेंगे कि कमी कहां पर है। 11 दिन का जो सफर था उनको 40 साल का सफरिंग क्यों हुआ? 40 साल का सफरिंग क्यों हुआ? 11 दिन का सफर। आमीन। ठीक है, देखें अभी सबसे पहले लास्ट बार हम सीखने वाले थे त्योहारों के बारे में। हाँ, त्योहारों के बारे में ये जान लो कि त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो जिंदगी मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक जश्न का जिंदगी दे रहा हूं तुम्हें। किस चीज का? सनातन जश्न का जिंदगी दे रहा हूं मैं, एक त्योहार का जिंदगी दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो हर त्योहार आपको पूरी रीति से मनाना है, तो इसलिए परमेश्वर ने इतने त्योहार दिए। कुछ कहते हैं कि 7 है, कुछ 8 बन जाते हैं, पर मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहला जब वो लोग मिस्र देश से निकले तभी उन्होंने पहला त्योहार उनको मिल गया, वो है फसका पर्व। फसका पर्व देखो, पास ओवर पहला वाला किधर स्टिक है? ठीक है, ये जो है फसका पर्व है, ये वाला
ये निसान मंथ के 14 तारीख को होता था। कब होता था? निसान मंथ के 14 तारीख। निसान क्या है अभी? अप्रैल। अप्रैल फूल एक तारीख को क्यों कहते हैं? अप्रैल फूल कभी किसी ने पूछा? आप उल्लू बनाते लोगों को, उल्लू बना अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। मैं बताया था कहीं से, तो सुना था एक स्टोरी। क्या स्टोरी था? स्टोरी सुना था। बहुत समय तक अप्रैल पूरे दुनिया का सबसे पहला मंथ था, साल का। फिर जनवरी में चला गया, और फिर एक दूसरे को जब लोग हैप्पी न्यू ईयर, अरे मूर्ख फूल जनवरी में गया था, अभी अप्रैल बंद हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए अप्रैल फूल कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रख के उल्लू बनाना, ठीक है? तो फसह का पर्व ये कहां पर देखते हैं हम? एक्सोडस 12 में। कहां पर देखते हैं हम? एक्सोडस 12 में। ये क्या दर्शाता है यीशु मसीह के बारे में? उसका वध होना, क्रूसिफिक्शन। क्रूसिफिक्शन क्रूस के बारे में दर्शाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता था एक मेमने को लेना है आपको, उसका वध करना है, और उसके लहू को दरवाजे के ऊपर लगा दो, ताकि मृत्यु का जो आत्मा है, या मृत्यु का जो आत्मा, मृत्यु का आत्मा जब ऊपर से चला जाएगा, तो वो आपके दरवाजे पे देखेगा कि लहू है, आपको छोड़ देगा, और बाकी पूरे मिस्र देश में सारे पहलौटे का वो खत्म करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके दरवाजों पर वो लहू है, तो मुझे पता है कि एक मेमने का बलिदान हुआ यहाँ पर, जिसके वजह से मेरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके परिवार के ऊपर। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो उन्होंने बलिदान दिया हमारे लिए, वो जॉन 1:29 में कहा जाता है कि योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये देखो यीशु मसीह मेमना जो जगत का पाप हर लेता है, मेमना। तो वही मेमना जो है वो फसह का पर्व याद करते करते वो लोग मनाते हैं, उस मेमने को जो वध किया गया, ताकि उनको छुटकारा मिले या वो बच जाए। हमेशा याद रखना, हमारा जो प्रभु भोज है हम इसलिए लेते हैं, वो एक जश्न है हमारे लिए कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या किया, जिसके वजह से हम बच गए। उसी दिन तुरंत जैसे ये खत्म हो जाता था, शुरू होता था अखमीरी रोटी का पर, वो है अनलीवेंड ब्रेड, लेविटिकस में वहां पर है, जो कहता है बरियल के बारे में। बरियल मतलब क्या बोलते हैं? गाड़ना। यीशु मसीह को गाड़ दिए। क्या किए यीशु मसीह को? गाड़ दिए। ये जॉन एक्स 2:29 ये सब रेफरेंसेस है। तीन दिन के बाद वो लोग दूसरा फसक का ये मनाते थे। कौन सा है वो? फर्स्ट फ्रूट्स, पहलौटे का फसक, पहलौटे का पर्व। मतलब क्या है? ये तीन दिन कहाँ गए? ये तीन दिन में क्या हुआ? तीन दिन के बाद लाल समुंदर, और वो लोग उस तरफ से बाहर आ गए। कितने दिन में? तीन दिन के बाद, जब से वो लोग निकले निशान से, जब वो लोग निकले 14 तारीख निशान को निकले, उसके बाद तुरंत अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता है। उसके बाद तीन दिन बाद वो लोग लाल समुंदर पार करके उस पार चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये रिजरेक्शन या यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहता है। इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियंस में कि उसके साथ तुम लोग, कुरिन्थियंस में गाड़े गए और उसके साथ तुम लोग जलाए भी गए। रोमन्स में क्योंकि लिखा गया है कि दे एक्सपीरियंस्ड अ बैप्टिज्म इन मोसेस, वो लोग एक बपतिस्मा उनका हो गया जब वो लाल समुद्र पार करके उस पार आ गए। वैसे ही हमारा बपतिस्मा हुआ जब हम वो समुद्र से होकर बाहर आ जाते हैं और हमारा क्रिस्ती जीवन का शुरुआत हो जाता है। 50 दिन के बाद साइनाई पे वो लोग पहुंच गए, माउंट साइनाई पे वो लोग पहुंच गए, और उसी दिन को वो लोग मनाते हैं पेंटिकॉस्ट। 40 दिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, 40 दिन तक वो शिष्यों के साथ था, उनको लगातार बातचीत कर रहा था, और 40वें दिन पर वो उनके नजरों के सामने उठाया गया एक बादल में, और स्वर्गदूत वहां पर खड़े थे श्वेत वस्त्र में, और उन्होंने कहा क्या तुम घूरते हुए देख रहे हो उनको जाते हुए? जैसे वो जा रहा है वैसे वो वापस आ जाएगा।
पर यीशु मसीह जाते जाते कह गए उनको कि रुको जब तक तुम वो सामर्थ नहीं पाओ, क्योंकि जब वो सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पूरे दुनिया के कोने कोने तक। 10 दिन तक वो लोग रुके, एक समान वो लोग ऊपर के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग थे, और तभी पवित्र आत्मा एक 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 हवा के साथ